हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में सबसे पहले स्थान पर आते हैं। इन्हें मात्र एक लोटे जल अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों में भगवान शिव जी की पूजा के लिए सोमवार प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सावन का महीना और महाशिवरात्रि समर्पित होता है। शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही आसान और सरल मानी गई है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें नहीं अर्पित करनी चाहिए, कौन कौन सा फल अर्पित नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में वर्जित पूजा सामग्रियों को भगवान शिव को चढ़ाने पर भगवान भोल भंडारी रुष्ट हो जाते हैं और पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख देना। 1. भूलकर भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं तुलसी के पत्ते। भगवान विष्णु, भगवान हनुमान और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते बहुत ही प्रिय होते हैं। बिना तुलसी के पत्तों के भोग को अधूरा माना जाता है, लेकिन भोलेनाथ को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दरअसल भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलांधर का वध किया था, जिस कारण से तुलसी के पत्ते भगवान शिव को नहीं अर्पित किए जाते हैं। 2. शंख से न करें जलाभिषेक। आपको बता दें कि भगवान शिव का जलाभिषेक शंख से कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूर का वध किया था, जो एक असुर था, और शंखचूर एक दानव था। इसी कारण से भगवान शिव को जल अर्पित करने में शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शंख से जलाभिषेक करने पर भगवान शिव की पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। 3. पूजा करते समय शिवलिंग पर भूलकर भी नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही नारियल के पानी से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। इसका कारण यह है कि नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। वहीं आमतौर पर जब हम पूजा में भगवान को फल चढ़ाते हैं तो उसे बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जिन पदार्थों से अभिषेक किया जाता है तो उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यता है कि यदि नारियल का फल या नारियल के पानी को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो ये ग्रहण करने योग्य नहीं रहता, साथ ही इससे शिव जी भी रुष्ट हो जाते हैं। 4. भगवान शिव को कभी भी लाल रंग का फूल, केतकी का फूल तथा चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है, इस पूजा का फल नहीं मिलता है। 5. शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना गया है। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, खासतौर पर सिंदूर और कुमकुम को नहीं चढ़ाना है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें भूल से भी शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।